तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके सूट या ब्लाउज का गला छोटा हो जाए तो उसको कैसे सही करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस नेक की चौड़ाई भी बहुत कम है और इसकी गहराई भी बहुत कम है। तो होता क्या है, बहुत सारे बिगनर्स कई बार धोखे से गलती से गला छोटा बना देते हैं, तो उसके बाद जब कुर्ती स्टिच कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बाद में बिगनर्स सोचते हैं इसको कैसे सही करें। और दूसरी वजह एक ये भी हो सकती है, कई बार हम बाज़ार से रेडीमेड कुर्ती लेकर आते हैं तो उस कुर्ती का गला भी कई बार छोटा होता है, तो इसको लेकर भी बिगिनर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब देखिए, आपका गला दो तरह से छोटा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपके गले की चौड़ाई भी कम हो सकती है और गहराई भी कम हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है आपके गले की चौड़ाई बिल्कुल ठीक है पर गहराई कम है। तो ठीक है, दोनों केस में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो जैसे कि अगर आपकी कुर्ती स्टिच की हुई है, आपका ब्लाउज भी स्टिच किया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, पहले कंधे वाली सिलाई खोल देनी है, उसके बाद बाजू खोल देने हैं, कुर्ती का फ्रंट और बैक बिल्कुल अलग कर देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने जो नेक बनाया है ना, इस नेक को भी खोल देना है, जो नेक की सिलाई लगी है इस सिलाई को खोल देना है और हमने इस नेक को बिल्कुल अलग कर देना है। तो देखें, जो पहले वाला नेक बना हुआ था उसको हमने खोल दिया है, यानी पहले वाला बुकरम हमने हटा दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रेस कर ली है, ये देखें। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे कट्स लगे हुए हैं, पहले जो नेक पर कट लगाए थे तो ये वही कट्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, अपने साइज के अकॉर्डिंग नेक कटिंग कर लेना है, जिस साइज का आप रखना चाहते हैं। तो हमने इस गले को इस कपड़े पर फिट करना है, तो हम सबसे पहले इस कपड़े पर चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो हमने कपड़े को डबल कर लिया है, तो हमने बुकरम पर गले की चौड़ाई 3 इंच रखी थी, तो हम यहाँ भी 3 इंच चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से कट्स लगाएंगे, ये देखें। उसके बाद हमने इस तरह से रख लेना है। तो हमने ये जो कट्स लगाए हैं, तो बुकरम की जो अंदर वाली किनार है वो इन कट्स के बिल्कुल बराबर से आनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर हमने बुकरम के बीच में ही सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने इस कपड़े को यहाँ से कट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से डबल कर लेना है यहाँ से, और हमने यहाँ से एक कट लगा देना है, हाफ सेंटर करना है यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ से बराबर करना है और यहाँ से हम चौक से मार्क लगाएंगे इस तरह से। तो हमने कपड़े पर बुकरम को फिट कर लिया है। तो देखें, जो हमारा नॉर्मल सूट होता है तो उस पर पहले से ये कपड़ा नहीं कट किया जाता है, पर ये सूट तो बना हुआ है, पहले ही आपका गला छोटा हो गया है तो इस वजह से ये कपड़ा पहले से ही आपको कटा हुआ मिलेगा। तो इसी पर हमने बड़ा नेक बनाना है। तो कैसे बनाना है, उसके लिए आपको एक काम और करना होगा, इस तरह से डबल करेंगे पहले हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, छोटा वाला स्केल ले लेंगे, चाहे आप बड़ा स्केल भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने रखना है, जहाँ से ये सूट की क्रीज है यहाँ से बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से। उसके बाद हमने देखना है हमने बुकरम पर गले की कितनी चौड़ाई कट की थी। तो जैसे कि हमने बुकरम पर इस गले की चौड़ाई कट की थी 3 इंच, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कट लगाएंगे, ये देखें। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो नेक के अंदर जो कपड़ा है यहाँ से हमने एक पैर का हटाकर कटिंग कर लेना है। तो इस कपड़े को हम पहले ही कट करेंगे यहाँ से। उसके बाद हमने क्या करना है, फ्रंट को इस तरह से हमने ओपन कर लेना है। तो आपको ध्यान देना है, अगर सूट में उल्टा सीधा है तो आपने सीधी साइड ऊपर रखनी है और उल्टी साइड नीचे रखनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये जो सेंटर क्रीज बनाई है और हमने इस नेक के ऊपर जो चौक से निशान लगाया था, तो हमने इसको यहाँ से इस तरह से मिलाना है। अब आप यहाँ देखेंगे, हमने जो पहले 3 इंच का कट लगाया था, तो हमने क्या करना है, जो बुकरम की अंदर वाली साइड है वो यहाँ से आना चाहिए कुछ इस तरह से। हमने जो कट लगाया है ना, तो यहीं से हमारी सिलाई आएगी इस तरह से, ये देखें। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, तो ये जो कट लगा है और ये जो बुकरम की किनार है, तो ये इस कट के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो हम यहाँ से सिलाई लगा कर लाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ भी ध्यान देना है, ये जो हमने कट लगाया था 3 इंच का, और ये जो बुकरम के अंदर वाली किनारा है यहाँ से मिलाएंगे, ऊपर से बिल्कुल बुकरम को बराबर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने जो चौक से निशान लगाया है और ये जो बीच सेंटर है यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे। तो पहले हम इस बुकरम को यहाँ पर अटैच कर देते हैं। आप यहाँ पर थोड़ी लंबी सिलाई चलाएंगे क्योंकि हम ये सिलाई बाद में खोल देंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर ये हमारा नेक अटैच हो चुका है। इस तरह से हम बुकरम के बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मल सूट में नेक फिट करते हैं उसी तरीके से हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने छोटी सिलाई चला ली है,
ये सिलाई बिल्कुल बुकरम के बराबर चल रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर लाकर सिलाई रोक देनी है और सुई को नीचे रहने देना है। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे, हमने ये 3 इंच वाला कट लगाया था और ये जो बुकरम की अंदर वाली किनार है ये बिल्कुल बराबर से तो आ रही है। देखिए मैं आपको उल्टी साइड से दिखाना चाहूंगा, कुछ इस तरह से है। हमने जो पहले वाला बुकरम का कपड़ा कट किया था, जो हमने पहले नेक फिट किया है, तो इसी कपड़े के बराबर से हमने दोबारा से राउंड में कट कर लेना है। ये गले का राउंड है, यहां से हमने कट लगाना है। हमने जो नेक अटैच करने के लिए सिलाई लगाई थी, इस सिलाई को हमने खोल देना है इस तरह से, यहां से ये देखें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको इस तरह से उल्टी साइड में पलट देना है। जैसे हम तिरपाई करने के लिए पहले हम कच्चा डालते हैं, यानी लंबी सिलाई चलाते हैं, लंबा टाका चलाते हैं, उसके लिए हमने इस बुकरम को इस तरह से मोड़ लेना है। तो ये देखें, हम यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से और हमने उल्टी साइड में मोड़ देना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस से बिल्कुल सही कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर नाखून भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लंबा टाका चलाना है, यानी कच्चा चलाना है। तो देख सकते हैं पहले कितना छोटा नेक था और अब ये हमारे साइज के अकॉर्डिंग नेक बन चुका है, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। अब आप उल्टी साइड से भी देख सकते हैं, ये देखें कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आया है।